दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकता है और दोस्तों मंडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। तो मंडे के लिए कुछ खास था नहीं। मंडे में क्लियरली एक आपका था 21,850 का एक सपोर्ट था, वहां से बाउंस बैक मारा मार्केट ने। एक ट्रेड अगर आपको हमारे एनालिसिस से मिलती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मैंने देखो क्लियरली लिख रखा है कि सपोर्ट था निफ्टी का, और यहाँ से जैसे टूटा तो आपको नीचे की साइड भी एक शानदार डिप मिली। आज के लिए जैसे ये मैंने आपको चार्ट करीबन 9:58 पे करीबन अगर आप देखते हो तो यहाँ के आसपास मैंने करीबन आपको यहाँ पे शेयर किया था। तो मार्केट जब इस पॉइंट पे था निफ्टी का ही, यानी कि आपको डाला, बाकी बैंक निफ्टी के अंदर कोई ट्रेड थी नहीं, तो बाय ऑन डिप्स थी। ट्रेंड लाइन आपको शेयर करी हुई है ये मंडे को भी, यानी कि मैंने क्लियरली करी थी कि भाई एक इस पॉइंट पे एक मार्केट बाउंस दे सकता है, और बाकायदा मार्केट ने इसी पॉइंट से ये ट्रेंड लाइन से शानदार बाउंस दिया भी। अब जैसे अगर ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखते हैं तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप यहाँ से इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो में जा चुका है। तो ओवरऑल जैसे अगर ये ट्रेंड लाइन है, या फिर जैसे अगर पैरेलल चैनल भी अगर ऊपर की साइड देखते हैं तो ये नीचे हायर हाई इसने लगा ली है एक बार के। अब ये मे बी आपके नीचे की साइड एक लंबा डिप बैंक निफ्टी दे सकता है। तो चलिए किस तरह से ट्रेड करें। तो अगर एक नेगेटिव रहेगा तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर निफ्टी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी नेगेटिव है, तो निफ्टी को संभालने के लिए उससे कम नेगेटिव होगा। निफ्टी को संभालने के लिए अलग और भी सेक्टर है, तो 21,962 के ऊपर अगर निकलेगा तो अगेन हम बाई की साइड में बैठ सकते हैं। 21,962 या 65 के ऊपर फिर आपके टारगेट अगेन आपके हाई तक के हो जाएंगे, या फिर जैसे 22,055, 22,125 तक के टारगेट इस तरह से ट्रेल करते चलें, वहां पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें। या फिर अगर ये निकलता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपका 21,750 का लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करे तो फिर आप नेगेटिव की तरफ हो जाओगे। फिर अगेन यानी कि आपका निफ्टी नीचे की साइड में टेस्ट करना जाना चाहिए। लेकिन जैसे अगर मान लो आप पॉइंट पकड़ते हो तो 21,850 के नीचे अगेन ये निकले तो एक पुट की पोजीशन में बैठा जा सकता है। नीचे के टारगेट फिर आपके 100 पॉइंट के 21,750 तक के। अब बात करते हैं यहाँ पे खुलता है तो एक डेफिनेटली बाय बनती है, लेकिन बाय लेस क्वांटिटी में रखें। और अभी क्या है कि दोस्तों जैसे मेरा थंबनेल है कि डायरेक्शन अभी मार्केट को नहीं मिला है, मार्केट एक टॉप पे पहुंच तो गया, लेकिन अब यहाँ से क्या है कि अगेन एंड अगेन टाइम वाइज करेक्शन जो है प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे आ जाती है। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और नीचे के लेवल पे आ जाता है सपोर्ट। यहाँ पे यानी कि डिमांड जोन आते हैं नीचे, जैसे 21,550 का लेवल हो गया, 21,350 का लेवल हो गया, 21,150 का लेवल हो गया। तो ये लेवल क्या है कि डिमांड जोन में, यहाँ पे क्या है कि आते ही मार्केट एक अप मूवमेंट दिखाना शुरू कर देता है। तो ओवरऑल निफ्टी को या चाहे स्पेशली बैंक निफ्टी को आप बिल्कुल फुल्ली अवॉइड करके ट्रेड करें, उसके अंदर ध्यान नहीं दें। और दूसरा, अगर आज किसी ने फिर निफ्टी की एक्सपायरी में हाथ डाला होगा तो उसको कुछ नहीं मिला होगा। उसका रीजन मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि दोस्तों जब भी एक एक्सपायरी हो तो विपरीत एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करें। जैसे कि अगर आज इस एक्सपायरी को अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं दिया पूरे दिन का, अगर ये सेनारियो है एक रेंज में रहा और आपका टाइम डिके होके पूरा का पूरा प्रीमियम खा गया। तो क्या करना है दोस्तों, स्पेशली जिस दिन एक्सपायरी हो उस अंदर नो डाउट आप बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन वो आते हैं कभी कभार। ज्यादातर क्या रहता है कि आपके यानी कि टाइम डीके की वजह से आपका पैसा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अलग दूसरी इंडेक्स में ट्रेड करें। जैसे अगर कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रीमियम हाई ही रहते हैं फरवरी के महीने में, क्योंकि बजट रहता है, प्रीमियम बहुत ज्यादा रहते हैं, तो स्पेशली सेलर्स के लिए वो थोड़ी बेनिफिशियल रहती है। तो सेलर्स को दोनों तरफ का पैसा बनता है। तो ये तो मैंने निफ्टी के आपको लेवल बता दिए, 21,820 के आसपास भी आता है तो भी यानी कि बाई की साइड में रह सकते हैं हम। मॉर्निंग का है 21,840, तो 21,820 के एसएल के साथ में ट्रेड किया जा सकता है बाई साइड में। और ऊपर के अगेन अगर जैसे मान लो नीचे की साइड यहां तक आता है तो एक टारगेट आपका 21,900 तक के, 920, 935 तक के टारगेट के लिए, मतलब छोटी ट्रेड आपको मिलेगी, लंबी ट्रेड नहीं। लंबी जिस दिन मिलेगी ट्रेड
ट्रेल करते जाओ, चाहे मैंने नया हाई लगाया था तो मैंने कहा बधाई हो, नए हाई की तरफ है, तो वहां पे यानी कि समझ जाओ कि भैया टेलीग्राम में आपको एनालिसिस दे दी जाती है। तो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं किस तरह से ट्रेड करें, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 45,500 का। 45,500 के नीचे फिर पुट की पोजीशन में बैठा जा सकता है। नीचे में कहाँ तक, अगेन आप इस पॉइंट तक मतलब करीबन देखो तो 45,100 तक और 45,050 के आसपास एक बाय की पोजीशन में, जैसे ये यहाँ पे हमने एक शानदार बाय की पोजीशन में दिलवाई थी, तो यहाँ तक आपको बढ़िया टारगेट मिले। लेकिन अभी इसको क्योंकि देखो यहाँ पे टच कर चुका, इस पॉइंट पे टच कर चुका, तो अब मे भी ये पॉइंट आपका कहाँ तक आ सकता है, ये थोड़ा अगर और इसको ऊपर करते हैं तो ये थोड़ा डीपर लेवल की तरफ आता है, और ये करीबन अगर इसको खींच के नीचे लेके आते हैं तो ये लेवल आपका आने वाले टाइम तक भी देखते हैं तो करीबन 43,000 की तरफ निफ्टी, मतलब जो हायर हाई की जगह अब ये लोअर लो लगाना शुरू कर दिया है बैंक निफ्टी ने। तो स्पेशली ध्यान रखें सेल साइड में ही है, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर मिले अगर इसी पॉइंट के आसपास, मतलब 46,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो 46,125 के एसएल के साथ में पुट की पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर 46,125 का लेवल तोड़ के निकलता है तो ऊपर में 200-300 की आप मूव दे सकते हो, लेकिन ऊपर में बैठना रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या है कि ट्रेड आपका कब ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ जाएगी, सप्लाई आ जाएगी, तो वो आपको यानी कि थोड़ा सा ट्रैप कर सकती है। तो ओवरऑल गैप डाउन अगर होता है 45,500 के नीचे निकले, एक नीचे जाके यहाँ पे रुक के फिर फ्रेश बैकग्राउंड दे, तो फिर आप पुट की पोजीशन में बैठे, या फिर हायर देखो बाय की साइड में बैंक निफ्टी फुल अवॉइड है, और एक्सपायरी के लिए तो स्पेशली बिल्कुल ही यानी कि मेरा तो कोई मूड नहीं है इसके अंदर ट्रेड करने का। और 45,000 के आसपास एक हीरो जीरो ट्रेड की जा सकती है बाय साइड में, लेस क्वांटिटी रखें ये जरूर ध्यान रखें। और अगर मान लो मार्केट एनी हाउ किसी भी सिचुएशन में 46,300 की रेंज में अगर आ जाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक हीरो जीरो ट्रेड आप पुट में ले सकते हैं, लेकिन लेस क्वांटिटी। ये नहीं कि अगर आपने आज आज के आज ही करोड़पति बनना है तो वो वाली सिचुएशन न रखें, अगर वो वाली रखोगे तो हो सकता है आपको उसी दिन वो ट्रैप कर दे। तो कम क्वांटिटी में कम खा लो भैया, खाना है रोज खाना है, पेट आपको रोज भरना है, तो उसी हिसाब से ट्रेड करनी है। और मोटे मोटे लेवल्स ऊपर में यही है 46,050, इसके ऊपर निकले तो फिर बाय की पोजीशन में रिजेक्शन कैंडल मैंने कई बार आप लोगों को आइडेंटिफाई कर रखी है वो कर सकते हैं, या फिर जैसे मेरा 9 और 5 EMA का 5 और 9 EMA क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। वहां से क्या है कि आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि मार्केट का रुझाव किधर है, तो वहां पे आप जैसे ही क्रॉस ओवर होता है नीचे की साइड होती है तो पुट की पोजीशन, और ऊपर की साइड में एटलीस्ट स्कैल्पिंग के लिए, और स्कैल्पिंग ही आप इसमें कर पाओगे, लंबा आपको कुछ नहीं देगा बैंक निफ्टी। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक जरूर करें, और इसी तरह से जैसे ये मैंने डाली, ये करीबन मैंने इस टाइम डाली, तो करीबन आप यार मैं क्या कराऊंगा, अगर एक ट्रेड भी हमारे लेवल से बनती है तो डेफिनेटली आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और इसके अंदर जितना ज्यादा अगर घुसोगे डेली कमाने के सोचोगे तो वो ये मार्केट है नहीं, जैसे मंडे को कुछ नहीं था, किसी को नहीं था, आज एक्सपायरी स्पेशली कुछ नहीं थी, और बुलिशनेस में अगर आप बात करें तो निफ्टी शानदार तेजी में है, बैंक निफ्टी थोड़ा करेक्टिव मोड में है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस ही रहें। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू।